नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम की, अखिलेश की चुटकी की। जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्यों बढ़ी बीजेपी की परेशानी, हरियाणा में अब की बार कांग्रेस लगाएगी किस पर दांव, और आखिर में बात बीटेक एमटेक से छात्रों के भंग होते मोह की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुंबई की कार्यक्रम से गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा पीएम मोदी के आने के बाद परिवारवादी पार्टियों की नींव हिलने लगी। सूचना क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी तरफ खींचने में लगा आरएसएस। दशहरे पर संघ के प्रोग्राम में शामिल होंगे आईटी दिग्गज शिव नाटर, आरएसएस ने भेजा न्योता। देशभर में प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपए किलो, घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम, स्टॉक की सीमा पर विचार कर रही है सरकार। वैष्णो माता की गुफा के आगे श्राइन बोर्ड लगाएगा सोने और चांदी का भव्य गेट, नवरात्र से भक्त करेंगे दिव्य दर्शन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, दीपक पुनिया फाइनल मुकाबले से हुए बाहर, चोट की वजह से नहीं खेल पाए फाइनल। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। उनके संबोधन पर देश से लेकर विदेशियों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करने वाले हैं। अमेरिका में एक तरफ मोदी मोदी का शोर सुनाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कोर्ट ने पीएम मोदी को समन भी जारी कर दिया है, यानी स्वागत के शोर के साथ पीएम मोदी का विरोध भी है। ह्यूस्टन का एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम हाउडी मोदी कार्यक्रम को लेकर 50,000 लोगों की मौजूदगी से खचाखच भरा है। लोगों को इंतजार पीएम मोदी का है। मोदी का ये मेगा शो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करने वाले हैं। वो यहां करीब 100 मिनट तक ठहरेंगे और 30 मिनट तक भाषण देंगे, जिसमें खास तौर पर भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का जिक्र होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा 60 से ज्यादा अमेरिकी सांसद शिरकत करेंगे, जिनकी मौजूदगी में पीएम मोदी विदेश में अब तक का सबसे लंबा भाषण दे सकते हैं, जिसे हिंदी, अंग्रेजी के अलावा स्पेनिश, इन तीन भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और इसका समापन 12:30 बजे होगा। इस कार्यक्रम से पहले आज पीएम मोदी ने अमेरिका में एनर्जी सेक्टर के सीईओ से मुलाकात की, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा के लिए साथ मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम मोदी कई भारतीयों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत को विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी आज देश के विकास की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ ह्यूस्टन फेडरल जिला अदालत में पीएम मोदी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पीएम मोदी के एक फैसले को लेकर अमेरिका में ही रहने वाले दो भारतीयों ने पीएम मोदी की शिकायत की है, जिस पर कोर्ट ने समन जारी किया है। यानी एक तरफ कुछ लोग पीएम मोदी की नीतियों को लेकर तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मुखालफत भी हो रही है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस दौरे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा, और इसी के साथ उन्होंने आईआईएम लखनऊ में मंत्रियों की चल रही ट्रेनिंग, गरीब किसानों की समस्याओं को लेकर योगी सरकार पर भी चुटकी ली। पीएम मोदी 7 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं, जिसे लेकर बीजेपी जमकर अपनी पीठ थपथपा रही है, पीएम मोदी का गुणगान कर रही है। लेकिन वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष जमकर चुटकी ले रहा है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक पीएम मोदी पर जमकर बरस रहे हैं। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर चुटकी ली है। उन्होंने यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अमेरिका में क्या डील हो रही है, ये भी जनता को बताना चाहिए। क्या अमेरिका से हमारे किसानों को बर्बाद करने की डील हो रही है? चर्चा है कि खाने पीने की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अमेरिका से आयात किए जाएंगे, जिसके चलते हमारे देश के किसानों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी हमें राहत दे, सरकार को ये भी देखना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि भारत को क्या मिल रहा है। सपा प्रमुख ने कॉर्पोरेट टैक्स कम करने को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से किसी गरीब की जेब में पैसा जाने वाला नहीं है। हाँ, अगर किसानों को समय से बीज मिले और फसल का सही मूल्य मिले तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे। पीएम मोदी पर बरसने के साथ साथ अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर भी भड़ास निकाली। उन्होंने आईआईएम लखनऊ में मंत्रियों की चल रही ट्रेनिंग, गरीब किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार को आईआईएम से सीखना चाहिए कि कैसे सड़कों पर गाय ना दिखे, यूपी में अच्छी सड़कें कैसे बनाई जाएं, सरकार ये भी सीखे। तो आज सपा प्रमुख ने एक एक कर सभी मुद्दों पर बीजेपी की जमकर खिंचाई की। अब चुनाव है तो नेताओं की तरकश से सरकार के लिए तीर निकलते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर है विपक्ष का सरकार पर निशाना भी जोरदार होगा, जिससे बीजेपी सरकार पहले ही परेशान है कि अब तो उसे चुनावी घंटी बजते ही टिकट बंटवारे की चिंता भी सताने लगी है, क्योंकि पार्टी में एक एक सीट पर कई लोगों की दावेदारी है। अब किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं, इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जहां बीजेपी के लिए खुशी लेकर आए, तो वहीं सपा बसपा के गठबंधन के लिए निराशा, जिसके बाद गठबंधन टूट गया और सपा बसपा की राहें अलग हो गई, जिसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी ने एकला चलो की नीति अपनाते हुए उपचुनाव की रणनीति को धार देना शुरू कर दिया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गयी। कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ये उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसके चलते पार्टी में टेंशन का माहौल बना हुआ है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी रणनीतिकारों ने विचार विमर्श के दो चरण पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी की हर एक सीट पर 20 से लेकर 25 दावेदार हैं। हैरान करने वाली और दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जिन सांसदों का टिकट बीजेपी ने काट दिया था, वो भी विधायक बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी में एक एक सीट पर कई दावेदार, बाराबंकी के जैतपुर में 28, लखनऊ के कैंट में 25, फिरोजाबाद के टुंडला में 20 दावेदारों ने सीट पर अपना दावा ठोक रखा है। कहीं कहीं इनसे भी ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं। दरअसल बीजेपी का 2014, 2017 और 2019 का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, यही वजह है कि लोगों की दावेदारी बढ़ी है। फिलहाल पार्टी की ओर से जुटाव कार्यकर्ता को टिकट देने की उम्मीद ज्यादा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि संघ के साथ बैठक कर नामों की चर्चा होगी, इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा उपचुनाव को लेकर बहुत मजबूत तैयारी कर रही है। प्रत्याशियों का चयन करना शीर्ष नेताओं का काम है, उस पर भी मंथन चल रहा है। जहां जहां चुनाव होना है वहां लगातार कार्यकर्ताओं और जनता से संपर्क भी चल रहा है। हम हर सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। वैसे देखा जाए तो आम तौर पर विधानसभा उपचुनाव को सत्तारूढ़ दल के लिए आसान माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ उपचुनाव में बीजेपी के लिए ये धारणा गलत साबित हुई है। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खैर, अब बीजेपी किन दिग्गजों पर दाव लगाती है और वो उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। पार्टी वादों की झड़ियां लगाकर जनता का दिल जीतने की रणनीति बना रही है, जिसके तहत घोषणा पत्र में ऐसे भी वादे किए जाएंगे जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा में भी हाथ को सत्ता दिलाएंगे। जी हाँ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे साफ है कि अब की बार किसानों पर कांग्रेस का दाव। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान कार्ड खेलकर बीजेपी के किलों में सेंध लगाई थी, एक साथ तीन राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। अब वही कार्ड खेलकर कांग्रेस हरियाणा में भी सरकार बनाने की जुगत में लगी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस हरियाणा में भी किसानों का कर्ज माफ करेगी। महेंद्रगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने न सिर्फ अन्नदाताओं के दिल को जीतने की कोशिश की, बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को रियायत देने में जुटी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान मजदूर परेशान हैं, सरकार को सिर्फ अमीरों की फिक्र है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती है। हमारी पार्टी किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी किसानों और गरीबों का कर्ज माफ करेंगे। जल्द ही कांग्रेस इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इसी के साथ कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब बिगुल बच गया है, सिर्फ गाड़ियों में बैठकर घूमने से सरकार नहीं आएगी। आप लोगों को घर घर जाना होगा, घर का दरवाजा खटखटाना होगा, लोगों को सच्चाई से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मजबूत है और हम इसी मजबूती के साथ विधानसभा में बीजेपी को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि सूबे में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी भी 12 लाख से ज्यादा किसानों को अपने पाले में करने में जुटी है। इसीलिए पिछले दिनों सरकार ने किसानों के लिए 4,750 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के साथ ही लोन के ब्याज को भी माफ कर दिया था। अब चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को लुभाने में लगे हैं, लेकिन ये तो नतीजे ही बताएंगे कि बाजी किसके हाथ लगती है।
2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में हाथ की सबसे बुरी हार हुई थी। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने का तमगा तक हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन अब इस बार हार को जीत में बदलने के लिए कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। वैसे कांग्रेस हरियाणा के साथ साथ राजस्थान उपचुनाव के लिए भी कमर कस चुकी है, जिसके लिए पार्टी ने पूरे सूबे में बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां करने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार सियासी नियुक्तियां करेगी, लेकिन ये मामला टलता गया। अब उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू होने के बाद ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल राजस्थान की दो विधानसभा सीट खींवसर और मंडावा के लिए 21 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। ये सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के नरेंद्र कुमार के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। वहीं उपचुनाव के फौरन बाद नवम्बर में राज्य की 52 नगर पालिकाओं के 2455 वार्डों के लिए भी चुनाव होना है। फिलहाल सूबे में कांग्रेस की सरकार है, जो राज्य में बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी में जुट गई है, जिससे इन सीटों पर चुनावी निशाना लगाया जा सके। नियुक्तियों की ये प्रक्रिया अगले महीने राज्य की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पूरा कर लिए जाने की संभावना है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 15 अक्टूबर तक प्रभारी मंत्रियों से नाम लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नियुक्तियों की सूची को अंतिम रूप देंगे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुहर लगने के बाद ये नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये प्रक्रिया अगले महीने विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव से पहले पूरा हो जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि सियासी नियुक्तियां कर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकती है। राज्य में नगर निकाय चुनाव के बाद अगले साल के शुरू में पंचायतों के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में ये नियुक्तियां काफी अहम मानी जा रही हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, किसान आयोग जैसे दर्जनों ऐसे संगठन हैं जहां इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां करती है। एक अनुमान के मुताबिक हर जिले में ऐसे 3 दर्जन संगठनों, समितियों और वार्डों में कई नियुक्तियां होती हैं। यानी राज्य के 33 जिलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां की जानी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चुने जाने वालों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। चुनावी मौसम है, इसीलिए फैसले भी तेजी से लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने नई नियुक्तियों का फैसला हाथ को मजबूत बनाने के लिए किया है, लेकिन इसी चुनावी मौसम में मोदी सरकार का एक फैसला उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिस पर न सिर्फ विपक्ष को आपत्ति है बल्कि कई बीजेपी शासित राज्य भी मुखालफत कर रहे हैं। जी हाँ, नए ट्रैफिक कानून को लागू करने को लेकर अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी विरोध में उतर आई है। नए ट्रैफिक कानून को लागू कर सरकार ने ये जरूर सोचा होगा कि इससे जनता परेशान होगी और विपक्षी भी आवाज उठाएंगे, लेकिन अपने ही विरोध में खड़े हो जाएंगे ये सरकार ने नहीं सोचा था। और अब सरकार को उसी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ कई बीजेपी शासित राज्य भी बिल के विरोध में है। इसमें ताजा नाम कर्नाटक का भी शामिल हो गया है। येदुरप्पा सरकार ने केंद्र के फैसले के खिलाफ अपना अलग ही कानून बनाया है। सरकार ने विभिन्न यातायात उल्लंघन के लिए संशोधित जुर्माने वाली एक सूचना जारी की है, जिसके तहत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर दोपहिया, तीन पहिया और हल्के वाहनों के लिए जुर्माने को 2,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि बाकी वाहनों के लिए जुर्माने को 4,000 रुपए से कम कर 2,000 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ मोटरसाइकिल चालकों को पीछे सवार व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को 1,000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। हेलमेट नहीं पहनने और सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माने को 1,000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले के बाद कर्नाटक भी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड की लिस्ट में शामिल हो गया है। इन राज्यों की बीजेपी की सरकारों ने भी केंद्र के फैसले का विरोध किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत कई राज्यों ने तो इसे लागू करने से इनकार ही कर दिया है। यानी सरकार के फरमान पर जबरदस्त घमासान छिड़ा है, लेकिन अपनों की बगावत मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और बुलेटिन के आखिर में बात बीटेक एमटेक से छात्रों के भंग होते मुंह की। बदलते वक्त के साथ न सिर्फ लोगों के जीने का तरीका बदला है, बल्कि शिक्षा में भी बदलाव हुआ है, जिससे छात्र अब उच्च शिक्षा से ज्यादा उन विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं जिससे कम समय में नौकरी मिल सके। और यही वजह है कि अब बीटेक और एमटेक जैसे कोर्स की वैल्यू बेहद कम रह गई है। जी हाँ, अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट शिक्षा के बदलते स्तर की कहानी को बयां करती है। देश में पहले माता पिता कहते थे कि मेरा बेटा और बेटी इंजीनियर बनेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे। बच्चों का भी ख्वाब कड़ी मेहनत कर इंजीनियर बनने का रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स का बीटेक और एमटेक से मोह भंग हो गया है। इस हकीकत को बयां करती है अखिल भारतीय उच्च स्तर शिक्षा सर्वेक्षण यानी AISHE की रिपोर्ट,
जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स बीटेक और एमटेक जैसे कोर्स की बजाय एमबीए और एमबीबीएस, बीएड और एलएलबी जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मास्टर डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। AISHE 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की संख्या पिछले चार साल में आधे से भी कम हो गई है। 2014-15 में 289,311 छात्रों ने एनरोलमेंट कराया था, जबकि 2018-19 में 135,500 छात्रों ने एनरोलमेंट कराया था। इसी तरह बीटेक के छात्रों की संख्या में भी 11% की भारी गिरावट देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-15 में 42,54,919 छात्र थे, लेकिन 2018-19 में ये संख्या 37,70,949 पर पहुँच गयी, जबकि एमबीए और बीएड की डिग्री लेने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। एमबीए करने वाले छात्रों की संख्या 2014-15 में 409,432 से बढ़कर 2018-19 में 462,853 हो गई है। वहीं बीएड में नामांकन कराने के लिए छात्रों की संख्या 80% बढ़कर 11,75,517 हो गई है, जबकि ये आंकड़ा 2014-15 में 657,194 छात्रों का था। इन आंकड़ों से साफ है कि छात्र प्रोफेशनल एजुकेशन से ज्यादा प्रोफेशनल प्रोग्राम्स पर जोर दे रहे हैं, यानी अब देश में रोजगार के लिए उच्च शिक्षा नहीं बल्कि विकल्पों का सहारा लिया जा रहा है, जो चिंतन का विषय है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।